नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की पांच बड़ी खबरों के साथ। बात करेंगे सबसे पहले मोदी सरकार की। मोदी सरकार आज लोकसभा में एक अहम बिल पास करने वाली है। माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। हालांकि ये बिल पास होगा या फिर हंगामा देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़े वर्ग को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। हाल ही में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। बता दें, संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा। पेगासस और किसान मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा करती रही। संसद का अब तक का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के बावजूद 127वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कई राजनीतिक दल इसके समर्थन में भी है। हालांकि हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक पारित करना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। अब बात करेंगे देश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 447 लोगों की जान चली गई। देखा जाए तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,499 मामले सामने आए, तो वहीं 447 लोगों की जान चली गई। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 402,188 हो चुकी है। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.40% हो गई। ताजा आंकड़ों की माने तो रविवार शाम 7 बजे तक देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। देखा जाए तो देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि लगातार देश में सैंपलिंग भी की जा रही है, जिसके बाद अब तक 13,71,871 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात में तड़के सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे करीब 10 मजदूरों को रोक दिया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, तो कई घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सीएम रूपाणी ने ट्वीट कर मदद का ऐलान किया है। गुजरात के अमरेली में सुबह तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे करीब 10 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा अमरेली में सावरकुंडला के बाढ़ला गांव के पास हुआ। हादसे के वक्त तड़के 3 बजे बताया जा रहा है। हादसे के बीच मची चीख पुकार से इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की ओर से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दर्दनाक हादसे के बाद सीएम रूपाणी ने पीड़ित परिवार को 4,00,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरा करेंगे, जहां धार्मिक स्थानों पर मत्था भी टेकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी का पहला श्रीनगर दौरा है। हालांकि इससे पहले अगस्त 2019 में 370 हटाए जाने के 2 हफ्ते बाद हालात का जायजा लेने राहुल गांधी विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर गए थे, लेकिन अब प्रशासन ने सभी विपक्षी नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होने राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। हालांकि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी कई मंदिर के दर्शन भी करेंगे, तो इसके साथ एक खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर बांदरबल भी जाएंगे। अब बात करेंगे यूपी की। यूपी में इस वक्त बाढ़ के हालात लगातार पैदा हो चुके हैं। यूपी के कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इस सर्वेक्षण के बाद एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। यूपी में बाढ़ के हालात के बीच सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। योगी औरैया और इटावा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें, यूपी में कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सर्वेक्षण के बाद योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। हालांकि चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस वक्त यूपी में बाढ़ के हालात लगातार बनते दिख रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सन स्टार टीवी।